साल 2003 में फिल्म इश्क विश्क से अपनी करियर की शुरुआत करने वाले शाहिद कपूर आज अपना 39वां जन्मदिन मना रहे हैं। अपनी चॉकलेटी इमेज और क्यूट लुक्स के चलते जल्द ही शाहिद रोमांटिक लवर वाली इमेज में टाइपकास्ट होने लगे थे और डेब्यू फिल्म के हिट होने के बाद उन्हें अपना शाहरुख खान भी कहा जाने लगा था। लेकिन शाहिद कपूर ने समय समय पर इस इमेज को तोड़ा और साबित किया कि वो सीमित क्षमताओं वाले एक्टर नहीं है। अपने डेब्यू के 6 सालों बाद कुछ हिट और कुछ फ्लॉप फिल्मों के बाद शाहिद कपूर ने साल 2009 में कमीने में काम किया। इस फिल्म में शाहिद ने डबल रोल निभाया था और पहली बार उनकी एक्टिंग को क्रिटिक्स की तारीफ भी मिली। इसके बाद उन्होंने जब जब रिस्क ट्रैकिंग ग्रेस से किरदार निभाया उन्हें कामयाबी मिली। 5 साल बाद एक बार फिर विशाल भारद्वाज शाहिद कपूर के गॉडफादर साबित हुए और शाहिद की फिल्म हैदर में काम किया। एक कश्मीरी लड़की के मनोदशा को दिखाती हुई इस फिल्म के किरदार के लिए शाहिद को जबरदस्त तारीफें मिली और फिल्म की अद्भुत स्टारकास्ट और झकझोर देने वाली म्यूजिक के चलते इस फिल्म को फैंस और क्रिटिक्स के बीच सराहा गया। इसके 2 साल बाद शाहिद कपूर ने फिल्म उड़ता पंजाब में एक ड्रग एडिक्ट रॉकस्टार का रोल निभाया। शाहिद के लिए रोल इस मायने में भी खास था कि उनकी रोमांटिक संवेदनशील इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाता था और शाहिद रियल लाइफ में ड्रग्स या शराब नहीं पीते हैं। ऐसे में एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन इंडस्ट्री में तब तक शाहिद एक दशक से भी अधिक समय बिता चुके थे और अपनी मैच्योर एक्टिंग परफॉर्मेंस को कई स्तर आगे ले जाते हैं। उन्होंने इस फिल्म में शानदार परफॉर्मेंस दी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी साबित हुई और ये भी साबित हो गया कि शाहिद कपूर विशाल भारद्वाज के अलावा दूसरे डायरेक्टर के साथ भी इंटेंस फिल्मों में काम कर सकते हैं। इसके 3 साल बाद रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह में शाहिद ने एक शराबी सर्जन का रोल निभाया जो गुस्सा होने पर आपा खो बैठता है। शाहिद ने इस फिल्म में एक सार्फ लेकिन गलतियों से भरे एक शख्स का रोल निभाया और ये फिल्म साल 2019 की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल हुई और लगभग 300 करोड़ का बिजनेस करने में कामयाब रही। इस फिल्म की सफलता ने ये बात भी साफ कर दी कि अगर स्क्रिप्ट अच्छी हो और शाहिद का किरदार नेगेटिव या ग्रे शेड्स लिए हो तो उस फिल्म की सफलता की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। शाहिद भले ही ए लिस्ट स्टार्स की सूची में ना हो लेकिन उन्होंने लगातार कड़ी मेहनत से अपने आप को काफ़ी इम्प्रूव किया और वे अपना एक दर्शक वर्ग गढ़ने में कामयाब रहे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं और E24 की टीम की तरफ से शाहिद कपूर को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं।